और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली है बड़ी राहत और राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से जुड़ा ये पूरा मामला, हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने रखा पक्ष और कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान याचिका को किया जा चुका खारिज, केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी किया जा रहा पालन और एडवोकेट निखिलेश कटारा की जनहित याचिका को किया खारिज। सीजे इंद्रजीत महांति, जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन राज्य सरकार को ये बड़ी राहत, आदेश के बाद हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान याचिका को किया जा चुका खारिज, केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। एडवोकेट निखिलेश कटारा की जनहित याचिका को खारिज किया गया और सीजे इंद्रजीत महांति, जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने अब आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। निजाम, इस आदेश के जरिए एक बड़ी राहत राज्य सरकार को? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो शराब की दुकानें खोली गई थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि इन दुकानों की वजह से जो लोगों की भीड़ है लगातार उस पर उपज रही है, ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं अपनाई जा रही है और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही याचिका, जनहित याचिका दायर की गई थी एडवोकेट निखिलेश कटारा की ओर से, उसमें यही कहा गया था कि इन शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए और पाबंद कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से पूछा भी था कि क्या वो हर जगह पर हर शराब की दुकान पर किसी आबकारी अधिकारी या आबकारी से जुड़े विभाग से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है क्या, तो वो अदालत सरकार ने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो गुरुस्वामी केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की पालना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था, ऐसे में यहाँ पे भी ये नहीं कर सकते। इसके बाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए, शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया इस जानकारी के लिए।